सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चली रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल एचसीए ईजी 3 का डे 2 है एग्ज़ाम का, और जो इसका पहला एग्ज़ाम था वो 1 जनवरी को हो गया था। और आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका कल एग्ज़ाम होगा, सो सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक। और आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप वो गलती मत करना जो मैं कर चुका हूँ। मैं क्या किया था फ्रेंड, ये बात है, मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था। SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था आज से 2 महीने पहले, और मैं एलिजिबल भी इसी साल हुआ हूँ इस बैंकिंग सेक्टर में या फिर कोई भी ये कंपटीशन के लिए। तो 2-3 में एग्ज़ाम दे दिया हूँ, जैसे IBPS PO का एग्ज़ाम दे दिया था मैं, प्री का 2 नंबर से रह गया, जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे प्रीवियस वीडियो में। SBI क्लर्क का दिया था मैं, उसमें मेरे से क्या गलती हुआ, मेरे से ऑलमोस्ट 9 से 10 ऐसे अटैम्प्ट मैं कर सकता था बट किया नहीं। उस वजह से मैं देखा, आपने देखा होगा कि मेरा ऑलमोस्ट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं, यहाँ पे 77.5 इसका वो कट ऑफ गया था जनरल का, OBC का गया था 76.5 समथिंग कुछ, और मेरा जो मार्क्स आया था वो 57.5 आया था। मैं वीडियो शेयर किया था तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ मैं 10-12 नंबर मैं अटेंड नहीं कर पाया। मतलब उस टाइम मैं कर सकता था बट मैं कर नहीं पाया, मेरी भी कुछ गलती थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। सो मेरी क्या गलती थी, तो वो गलती मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट आप अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए ये गलती ना करो। ये चीज़ तो मेक श्योर करो कि मुझसे ये गलती ना हो, सो दैट आपका जो अटेम्प्ट रहेगा वो बच जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी क्या गलती थी। मेरी गलती ये थी फ्रेंड कि होता क्या है, एज यूजुअल एज एस्पिरेंट एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग के अंदर एक वो आता है, जो बिल्कुल आना भी चाहिए कि हाँ यार कल एग्जाम है और मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मेरे अंदर भी आया था एज यूजुअल, और मैं क्या किया कि उसके पहले मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं 3-4 मॉक किया। अब 3-4 मॉक किया तो 1-2 मॉक में मतलब उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगा। इसके चक्कर में मैं एक और मॉक दिया, उसमें थोड़े से अच्छे मार्क्स आए, फिर सोचा यार कि एक और देखते हैं। तो जब मैं दिया तो मुझे ऑलमोस्ट 100 में से 70 मार्क्स आया था लास्ट मॉक में, तो थोड़ा मोटिवेशन आया था। बट क्या होता है कि आप मॉक के चक्कर में ही आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है, और चीज़ आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। और चीज़ रिवाइज का मतलब है कि फ्रेंड की जहाँ आपका वीक है उस पर आप नहीं दे पाते हो, और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जितना आपको पता हो आप उतना का ही एग्ज़ाम दो। मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड, जो भी आपने पढ़ा है एग्ज़ाम के पहले तक, जो भी आपने पढ़ा है आप उसे रिवाइज करो, सो दैट क्या होता है कि आप पे उस पर और कमांड बन जाता है। आप वो चीज़ तो छू ही मत जो आपको नहीं आता हो, या फिर जिस पर आप हाथ ना लगाओ कभी, हाँ लगाए हो वो चीज़ तो छू ही मत। अरे आप सोचोगे अरे ये मैंने कवर कर लिया, ये नहीं किया तो आज ये कर लेता हूँ, नहीं, उस दिन तो आपको छूना है। एग्जाम के 2-3 दिन पहले तो आपको ये सब चीज़ छूना ही नहीं है। जो चीज़ आप पढ़े हो आप उसी को करो और उसी को रिवाइज करो। और सबसे बड़ी चीज़ आप रेस्ट करो। क्यों रेस्ट करो फ्रेंड, क्योंकि अगर आप रेस्ट किए होते हो तो आपका जो माइंड रहता है, जो मेंटल हेल्थ रहता है, वो आपका अच्छा होता है। मतलब यानी कि आप उस टाइम एग्जाम के टाइम क्या होता है कि आपके दिमाग में और कुछ नहीं रहता है, मन शांति रहता है, तो आप अच्छे से सोच पाते हो। उस टाइम आपका जो कंसंट्रेशन है वो एकदम क्वेश्चन पे रहता है। अब आप क्या है कि अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो एग्जाम के एक दिन पहले, ना मतलब वही पढ़ के जाते हो एकदम नींद वींद नहीं है, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं मन में एक एंग्जाइटी रहता है, एक वीक होता नहीं है कि हाँ यार थका हूँ, मतलब टायर्डनेस रहता है। तो बिल्कुल नहीं, एग्जाम के पहले आप एकदम रेस्ट लेके जाओ। मैं क्या किया था, मैं तो आपको जैसे बता ही रहा हूँ कि मैं खूब मॉक किया, ऑलमोस्ट मैं रात को 1-1.5 बजे तक मॉक भी किया था। तो इससे क्या, और मेरा नेक्स्ट एग्जाम था शायद सेकेंड शिफ्ट में था मेरा, और जो मेरा सेंटर था वो काफ़ी दूर था, तो मुझे सुबह ही निकलना था अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन फिर भी मैं उस दिन क्या किया कि 1.5 बजे तक लमसम किया, जो मॉक वॉक किया। तो इससे क्या हुआ कि मैं ना एडिक्यूएट नींद नहीं ले पाया। इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी रीज़न था मेरा, अपना 100% में नहीं दे पाया था, क्योंकि SBI का एग्ज़ाम देते कलर का देते टाइम क्या हुआ, मैं कभी मॉक में नहीं फंसता था, स्पेशली रीजनिंग के सेक्शन में, पजल में मैं आज तक नहीं फंसा हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आज तक मैं नहीं फंसा था, बट उस दिन मैं फंसा था, और कहीं ना कहीं एक रीज़न था मेरे इनएडिकेट स्लीप का, मैं अच्छे से सोया नहीं था। आप अच्छे से आप सोए नहीं तो दिमाग आपका उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं रीज़न था। रीज़न तो और भी थे जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर किया था, और मेरे अंदर सबसे ज़्यादा कमी यही था कि मैं अच्छे से नींद लेके नहीं गया था, पर्याप्त जो नींद चाहिए वो नहीं लिया। और भी कुछ होंगे जो कंसेप्ट ढीला होगा उसके भी इसमें अटेंड नहीं किया होगा, बट मेजर जो चीज़ आप अपने आप से एलिमिनेट कर सकते हो कम से कम उससे आप एलिमिनेट करके जाओ। जैसा कि नींद आप पूरा लेके जाओ, जो आप पढ़े हो बस उसी को रिवाइज करके जाओ।
ठीक है फ्रेंड, तो ये सब चीज़ें आपको बताना मैं जरूरी समझा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, आप भी मेरी तरह ही एस्पिरेंट हो, मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूँ, तो आप हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो जो भी मेरे से बन पाता है आपको समझाने के लिए, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं सोचता हूँ आप वो एक्सपीरियंस ना करें, कम से कम ये चीज़ें तो ना करें। एग्जाम के पहले अच्छे से नींद लेके जाएं, जो पढ़े हैं उसे रिवाइज करके जाएं, और मॉक ऐसा करके जाएं जहाँ जो आपको लगे इजी है। इजी आप ये मॉक आपको कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, आप पहले कभी मॉक दे चुके होंगे, जो आप मॉक दे दिए हैं ना उसी को आप मॉक करिए रिपीटेड मोड पे। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो फिर वो टाइमर देके देखा, नहीं, आप रिपीटेड मोड पे करोगे क्या होगा कि आप आंसर वाला मत करना, आप वो करना रिपीट मोड पे जाओगे ना किसी भी मॉक टेस्ट में, तो वहां पे क्या होता है कि आपको आंसर नहीं देता है, वो क्वेश्चन देता है, तो आप उस मोड में करना, वो मॉक कर लोगे ना तो मोटिवेशन आता है अंदर, हाँ मुझे ये पता है, तो एक मोटिवेशन रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जाते हो एग्जाम देने। तो ये तीन चीजें तो आप कर ही लेना, और सबसे बड़ी चीज है इसमें आप रेस्ट लेके जाना, रेस्ट पूरा होना चाहिए। और आप में से बहुत ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, तो दो चीजें तो आज अपने जेब में भर लो अगर आपका कल एग्जाम है। पहला, पासपोर्ट साइज फोटो, 2 से 3 ले लो पासपोर्ट साइज फोटो, ऐसे तो वहाँ रिक्वायर एक ही दो का रहता है, बट आप 2-3 तो होगा आपके पास, तो रख लो। दूसरा, आपका आपका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, फोटो वैलिड आईडी, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप लेके जाओगे उसका फोटो कॉपी साथ में लेके जाओ, और लास्ट आपका एडमिट कार्ड तो जरूरी ही है, तो वो आपको ले जाना है। तो ये तीन चीज़ें आप अपने साथ अभी रख लो अगर कल आपका एग्जाम है। और फिर लास्ट में बोल रहा हूँ आपको, आप रेस्ट लेके जाना, रेस्ट पूरा होना चाहिए, रेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो टिल देन थैंक यू, एंड आपके लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।